दोस्तों आज मैं आपको नियोला के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं नियोला के शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक तत्व होता है जो सांप के जहर को निष्क्रिय करता है। इसी वजह से सांप के काटे जाने पर नियोले के शरीर पर इसके जहर का असर नहीं होता है, लेकिन ये जहर की एक सीमित मात्रा तक ही काम करता है। और क्या आपको पता है नियोला एक बहुत ही चतुर जानवर है। ये प्राणी केकड़े और नट्स जैसी सख्त कवच वाली चीजों को खाने के लिए उन्हें पत्थर या फिर जमीन पर पटक कर तोड़ कर खाते हैं। हिंदू पुराण में धन के देवता कुबेर के बाएं हाथ में हमेशा नियोला होता है, क्योंकि नियोला को सांपों पर विजय प्राप्त है जो गुप्त खजानों के पहरेदार होते हैं। प्राचीन समय में इजिप्ट में नियोला पालना आम बात थी। नियोला अपने रहने के लिए मैदानी इलाकों के बजाय पहाड़ी इलाके अधिक चुनते हैं, क्योंकि ये भूमिगत सुरंगों का निर्माण करते हैं, जिसके लिए पहाड़ी इलाका इनके लिए अधिक बेहतर होता है। दोस्तों नियोला की आंखों की पुतलियां घोड़ा और भेड़ की तरह क्षैतिज आकार की होती हैं, जिस वजह से नियोला को अपने शरीर के चारों तरफ एक व्यापक दृश्य मिलता है। इससे नियोला शिकारियों से खुद को तेजी से बचाने में सक्षम होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे छोटे आकार की नियोला प्रजाति का नाम है ड्वार्फ मंगूस, जिसका मूल निवास अफ्रीका में है। इसकी शारीरिक लंबाई 18 से 24 सेंटीमीटर और वजन 290 से 340 ग्राम के बीच होता है। और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी आकार की नियोला प्रजाति का नाम व्हाइट टेल्ड मंगूस है, जिसका मूल निवास अफ्रीका में ही है। इसकी शारीरिक लंबाई 46 से 75 सेंटीमीटर और वजन करीब 1.5 से 4.5 किलोग्राम के बीच होता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्श नियोला एक नियोला की प्रजाति है जो कि अर्ध जलीय है, अर्थात ये पानी में भी रह सकता है। वर्तमान समय में नियोला की लगभग 34 प्रजातियों को खोजा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1883 में अमेरिका के हवाई द्वीप पर गन्ने के खेतों को चूहों के आतंक से निजात दिलाने के लिए भारत से नेवले आयात किए गए थे। दोस्तों नेवला के गुदा के पास एक ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा ये एक विशेष प्रकार की गंध फैलाता है। नेवला ये गंध फैलाकर अपने इलाके को निर्धारित करता है, जो कि अन्य नेवलों को उसके इलाके में प्रवेश न करने की सूचना होती है। और क्या आप जानते हैं नियोला सर्वाहारी होता है, क्योंकि इसके आहार में शिकार के साथ साथ पेड़ की जड़ अलग अलग प्रकार के बीज भी शामिल होते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नियोला को अंडा चोर भी कहा जाता है। नियोला अन्य पशुओं के अंडों को चुराकर खाता है, जिसमें ये काफी माहिर होता है। क्या आप जानते हैं अधिकतर नेवले खुदाई करके घर नहीं बनाते हैं, वे चूहे खरगोश आदि जानवरों के बिल में अपना डेरा जमा लेते हैं। दोस्तों नेवला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है, और अगर ये जानलेवा मुसीबत में हो तो ये करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेवला का प्रजनन काल अधिकतर मार्च से मई और अक्टूबर में होता है, लेकिन ये साल भर में कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रजनन के लिए तैयार होने पर नेवला उच्च स्वर में खिलखिलाती आवाजें निकालता है और अपने गंध द्वारा भी सूचित करता है। मादा नेवला का गर्भकाल प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है, जो कि 42 से 100 दिनों का हो सकता है, जिसके बाद मादा नेवला 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। हालांकि इसे 6 बच्चों को जन्म देते हुए भी देखा गया है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं नेवला के बच्चे जन्म के 2 हफ्ते बाद ही अपनी आंखें खोलते हैं। नेवला के बच्चों को माँ का दूध छोड़ने में 6 सप्ताह का समय लगता है, और 6 महीने होने के बाद वे अपनी माता से अलग हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं नेवले को लकड़बग्घे का दूर का रिश्तेदार माना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं नेवला के रहने योग्य वातावरण में जंगल, रेगिस्तान, सवाना और घास के मैदानों सहित अलग अलग जलवायु के आवास शामिल होते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया भर में नेवला पाला जाता है। इस जानवर के पालने का मकसद अधिकतर नुकसान पहुंचाने वाले सांप, कीड़े, घातक बिच्छू से छुटकारा पाना होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मनोरंजन के लिए भी पाला करते हैं। एक अकेला नेवला दुनिया भर के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का शिकार करने में सक्षम होता है। बहुत से द्वीपों पर नेवला को एक बेहद आक्रामक और नुकसान करने वाला प्राणी माना जाता है, क्योंकि ये संरक्षित और लुप्त प्राय प्रजातियों के पंछियों को खत्म कर देते हैं। नेवला की बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं। इसके बहुत से कारण है, जिसमें खेत में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और इंसानों द्वारा जिंदा नेवलों का मुख्य व्यापार। दोस्तों क्या आप जानते हैं नेवलों के पास सूंघने, देखने और सुनने की कुदरती तेज क्षमता होती है, जिसका इस्तेमाल वह शिकार में बाखूबी करते हैं। और क्या आप जानते हैं नेवला के दांत काफी नुकीले और शरीर बेहद फुर्तीला होता है, जिसके इस्तेमाल से ये बड़े कोबरा और अन्य जाति के सांपों का शिकार करते हैं। नेवला और सांप जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं, उस वक्त दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई का परिमाण दोनों में से एक की मौत या फिर जख्मी होने तक तय होता है।
तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।